नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं बॉम्बे न्यूज। मैं हूं झारखंड के चतरा में और आपको बता दूं कि चेहरे पहले घुमा के दिखाइए, लाल पीले हरियर ब्लू सब बोल रहे हैं और ये सब है जेबीकेएस जयराम दा के सैनिक भाई। सब यहां से मिलाएंगे हम सूरज दा से, ये महामंत्री है, केंद्र के महामंत्री है, इनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज होली समारोह था, पहले इससे स्टार्ट कीजिए। आप तो बोलते हैं तो धड़कन तेज कर देते हैं, पहले होली के बारे में बता दो, उसके बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को होली की अग्रिम बधाई। और ये पर्व इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग के बीच में थोड़ा सा जो मतभेद होता है उस मतभेद को भूल के हम लोग एकजुट होते हैं और आगे साथ चलने का कसम खाते हैं। तो जेबीके सच परिवार भी थोड़ा सा कुछ था जिसको आज खत्म करके बहुत सारे लोग उत्साहित हो रहे थे, जैसे बरसात में मेंढक टिमटिमाने लगता है ना, हाँ हाँ, तो उसी तरह से कुछ लोग थे जो टिमटिमा रहे थे। मतलब कि कुछ लोग मतलब समझ रहे हैं ना किसके बारे में बोल रहे हैं कि अरे जेबीके सच तो टूट लो, जेबीके सच से तो भागल थू। उसको पता नहीं था कि ऐसा जड़ बन के निकला है बरगद का गाछ। देखे है ना रांची में, आप सॉरी कलकत्ता में जाइएगा तो एक बरगद का गाछ है बहुत बड़ा, उसका जड़ कहाँ है आज तक कोई खोजिए नहीं पाया। तो कहने का मतलब है कि जेबीके से कैसा जड़ बन के निकला है, गाछ बन के निकला है, जिसका जड़ का अनुमान कोई लगा दे ये संभव ही नहीं है। तो अब बहुत मजा आने वाला है, आज हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। हम लोग आज के बाद ये प्रतिज्ञाबद्ध है कि दीपक गुप्ता ही इस बार चतरा लोकसभा के सांसद होंगे। एक चीज जानना चाहेंगे, आप तो केंद्रीय महामंत्री भी है, आपसे एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट चीज पूछना चाहेंगे कि आज चतरा में भाजपा ने स्थानीय सांसद के बारे में अपना घोषणा लगभग तय कर दिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अग्रिम बधाई उनको भी कि जिन्होंने स्थानीय सांसद को यहां देने का काम किया। तो आप भी सोचिए कि किसके वजह से सांसद आज यहां आया, स्थानीय कहां थे ये लोग? हमको लगता है 17वां या 18वां बार चुनाव होने जा रहा है लोकसभा में, कहां थे ये लोग? इनको पहले नहीं दिख रहा था कि स्थानीय भी कोई चीज होता है? ये टाइगर है, ये बोलना भी सिखाता है, करना भी सिखाता है और चलना भी सिखाता है। तो हम लोग तो चलिए रहे स्थानीय के साथ में, लेकिन ये चतरा वासियों के, चतरा लोकसभा वासियों की खुशी का माहौल है कि तमाम पार्टियों ने प्रतिज्ञा ले लिया है कि इस बार स्थानीय सांसद। और खास करके जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, मैं उस पार्टी को, उस पार्टी के कार्यकर्ता हो चाहे सपोर्टर हो चाहे उनका वोटर हो, उनको एक सीधा संदेश है कि क्या चतरा में कुब्बत या फिर क्या चतरा में ऐसे व्यक्ति को चुनाव में लाना जो रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं और उनको चुनाव में लाना, ये कहां से मतलब कहां से उचित है? जब हम लोग देश में बॉर्डर को फौजी को जब हम लोग ये लेते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं फौजी को जब हम लोग ज्वाइनिंग कराने के लिए जब उनका मापदंड लेते हैं तो उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि 18 वर्ष होना चाहिए। तो देश की सेवा जो बॉर्डर पे करते हैं उनका वर्ष 18 और जो चतरा का लोकसभा का नेतृत्व करेंगे उनका प्लस 60+, ये कहां चलतो भैया, ना चलतो। चाचा तू गार्जियन दे, गार्जियन बन, हमरा दिशा निर्देश दे, लेकिन अब हमरीन के करेल दे, तोरो बेटा हमरे नियर होता तो ओकरा भी तू मदद कर, लेकिन अब तो तनी सुन धैर्य रख, अब हमीन के बारी है, युवाओं की बारी है। इसीलिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि जो आप पे ये फैसला थोपा गया है महामहिम के द्वारा, मैं उनको ये संदेश देता हूँ कि आप अगर युवा हैं, अगर आप झारखंड के हित में सोचते हैं तो एक बार जरूर सोचिएगा कि चतरा का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपका बात को समझे, जो आप उसके सामने बढ़ चढ़ के बोल सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ना कि ऐसा व्यक्ति। आप गौर कीजिएगा जब आपके घर में कोई गार्जियन होंगे, चचा होंगे, दादा होंगे, वो आपसे जब उम्र में ज्यादा होंगे तो आप अपनी बात को उनके पास पूरी तरह से नहीं रख पाते होंगे, लेकिन आपके घर में अगर कोई भाई होगा तो उसके पास आप बढ़ चढ़ के रख लेते होंगे। इसलिए एक संदेश सीधा चतरा लोकसभा वासियों को कि आप इस बात को समझें कि लोकसभा का नेतृत्व इस बार हम लोग यंगस्टर के हाथ में सौंपे और हम लोग यंगस्टर को मजबूत करें, तभी मेरा भविष्य सुधरेगा, नहीं तो वो थोपा हुआ राजनीतिक जो होते आया है वो अब आगे नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज हम जानना चाहेंगे कि जो आपने अभी पहले कहा कि जयराम दा ने स्थानीय सिखाया, आज जो चतरा का कायाकल्प हो रहा आजादी के बाद, स्थानीय यहाँ पे कोई उम्मीदवार नहीं होता था, वो आज होने लगा, ये कहना आपका? बिल्कुल यही है, मेरा यहाँ का ही कहना नहीं है, आप नजर उठा के पलामू चले जाइए, वहां बीडी राम जी को टिकट दिया गया है, वहां के 19 मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के, 1900 मंडल अध्यक्षों ने बतौर लिखित में अपने जो प्रदेश अध्यक्ष जो अभी बाबूलाल मरांडी है उनको, जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष है उनको, मतलब कि जेपी नड्डा जी को बकायदे लेटर में लिख के भेजा है कि अगर आपने स्थानीय प्रत्याशी को नहीं दिया तो हम तमाम 1900 मंडल अध्यक्ष बीजेपी को रिजाइन मार रहे हैं। सोचिए क्या ताकत है इस टाइगर में कि बीजेपी को भी मजबूर कर दिया मंडल अध्यक्ष बदलने में। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सिखाया बोलने सिखाया टाइगर ने, चलने सिखाया टाइगर ने, और एक इतिहास और रचने जा रहा है कि बड़ी बड़ी दल भी सोचने पे मजबूर है कि नहीं इस बार स्थानीय को दो नहीं तो टाइगर आ जाएगा। बहुत पहले एक शोले पिक्चर आया था जिसमें लोग कहते थे कि अरे बाबू सो जाओ गब्बर आ जाएगा, अब यहाँ पार्टियां कहती है अरे बाबू स्थानीय दे दो नहीं तो टाइगर आ जाएगा। ये काबिलियत है इस टाइगर में, इस महत्व को समझे। और जो है वो आपके सामने कैंडिडेट हमने जिसको उतारा है, तो
देखेंगे पब्लिक यहाँ पे टाइगर चतरा में कितना टाइगर निकलेगा, ये तो आपने इंटरव्यू में दिखा ही रहा है कि जितने लोग खड़ा है आज यहाँ पे सब अपने आप में परमाणु बम है, जहां गिरेंगे ना दो चार पीढ़ी के लिए सुता देंगे। कितना और जानना चाहेंगे कि चतरा में जब प्रचार करने 10 दिन तक सुनते हैं जयराम महतो जी आने वाले हैं, उस समय का माहौल क्या होगा ये थोड़ा बताएं। पूरा जैसे कहते हैं ना कि एक नारा था कि हम लोग ने दिया था कि मैं नाम नहीं, चलिए हटाइए उसको, मैं नहीं बोलता हूँ। जब टाइगर का एंट्री यहाँ एक दिन हुआ था तो प्रशासन से लेकर मंत्री नेता तक लग गए थे उसको रोकने में, और जब उसका एंट्री यहाँ 10 दिन के लिए होगा, हमको लगता है पूरा चतरा लोकसभा नहीं, पूरे चतरा के एक एक घर, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, एक एक माँ बहन सब टाइगरमय हो जाएगा। और सिर्फ किसी को कुछ दिखेगा तो टाइगर दिखेगा, दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। और दूसरा कोई व्यक्ति अगर नजर आएगा पूरे चतरा में तो एक लौता व्यक्ति नजर आने वाले हैं हमारे दीपक दा, जो आने वाले समय के लिए भावी सांसद है। हम लोग 4 जून का औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जो हम लोग 4 जून का बस वेट कर रहे हैं कि जैसे 4 जून आ जाएगा हम लोग माला पहनाने के लिए इनको तैयार, बहुत उत्साहित है कि 4 जून जल्दी आ जाए। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट है 14 जून को, उन्हीं का बात ही कर रहे हैं। समझ जाइए कि यहाँ पूरी तरह से सशक्त हो चुका है JBKSS, और इस तरह से यहाँ नौजवानों के जो जोश आज हमने देखी है, तो कहीं ना कहीं अब एकदम लग रहा है कि चतरा में ही नहीं पूरे झारखंड में बदलाव की लहर दौड़ चुकी है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ चतरा लोकसभा के तमाम वोटरों से कि जब आपके घर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता वोट मांगे पहुंचे तो उसको 2 प्रश्न कीजिएगा। पहला कि आपके बेटा के लिए वो क्या सोच के रखा है शिक्षा के बारे में, और दूसरा जब आपके घर में कोई व्यक्ति अगर जटिल बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उसके इलाज के लिए क्या सुविधा सोच के रखे हैं। ये 2 प्रश्न मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2 प्रश्न उस प्रतिनिधि से जरूर कीजिएगा, चाहे जो भी प्रतिनिधि आपके जिस भी पार्टी के आपके पास पहुंचे, ये 2 सुख सुविधा के लिए आपके पास क्या रास्ता है, कैसे हमको ये सुविधा आप मुहैया करवाइएगा। तो ये अंतिम संदेश है चतरावासियों को। भैया 1 मिनट, आपने ये सवाल किया तो बहुत बड़ा मेरे दिमाग में एक चीज आया कि हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, भाजपा का प्रचार गाड़ी कहीं घूम रही थी, वहां महिलाओं ने उसका विरोध किया है, ये कहीं JBKSS का द्वारा ही तो नहीं किया गया, ऐसा कुछ तो नहीं है? देखिए भाजपा का विरोध जो हुआ है, वो वीडियो जो वायरल हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि वो वीडियो झारखंड का नहीं है, वो वीडियो बिहार का है, बिहार के शायद पूर्णिया जिले का वो वीडियो है, जिसमें कुछ महिलाओं ने बीजेपी के गाड़ी को भगाने का काम किया है। तो वो भगाने का काम बीजेपी के गाड़ी को नहीं किया है, वो बीजेपी को भगा रहा है, गाड़ी से उसका क्या दुश्मनी है या वो ड्राइवर से क्या दुश्मनी है? आप क्या लगता है, मैं जैसे जयराम महतो झारखंड में दहाड़ रहे हैं, कहीं से बिहार भी अब नहीं ना दहाड़ जाएगा? अभी तो नहीं बड़ा ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में जब कोई नेता को देखा जाएगा तो टाइगर जयराम महतो को देखा जाएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है तमाम चतरावासियों को, तमाम झारखंड वासियों को और तमाम भारतवासियों को, एक संदेश है मेरा। हम लोग कल होली मनाएंगे, होली पर्व मतलब कि कहिए कि एक मिलन समारोह, होली पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें हम लोग आपस में मन का क्लेश को मिटाते हैं और साथ चलते हैं। तो हम लोग भी कल होली पर्व में अपने मन के क्लेश को मिटाएंगे और साथ चलने का, एक संगठन को मजबूत करके साथ चलने का हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएंगे। दूसरा, चतरा जिला ही नहीं पूरे झारखंड में बदलाव की बयार बह चुकी है, और यह होली का फगुआ का बयार बह रहा है, वहां से ज्यादा बदलाव का बयार बह रहा है। तो कैसा लगा न्यूज़, यह जरूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।